वाह जी वाह, आज हम बनाने जा रहे हैं मैगी फ्रैंकी। थोड़ा अलग है ना, लेकिन बहुत ही मजेदार लगती है। तो हमने जो फिलिंग है इसमें हमने मैगी यूज की है, और ये रैप भी जो है हमने घर पे बनाया है, बहुत ही मजेदार बनता है। तो जरूर ट्राई करिएगा ये रेसिपी, और अगर आपको हमारी आज की ये रेसिपी पसंद आए तो लाइक करना, कॉमेंट करना और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो मैगी फ्रैंकी की जो फिलिंग चाहिए हमें, उसके लिए हमने यहाँ पे टोमेटो सॉस ले रखा है। हमने यहाँ पे जो पत्ता गोभी हमने लंबा लंबा उसको पतला पतला काट लिया है। प्याज ले रखा है, उसको भी हमने लंबा लंबा पतला पतला काट लिया है, स्लाइस कर लिया है। एक गाजर ली हुई है, उसको हमने घिस लिया है। अगर आप पतला काट सकते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। थोड़ा सा धनिया लिया हुआ है, चाट मसाला, और ये मैगी है, इसको हम कुक करके यूज करेंगे। तो फ्रेंड्स, जो फ्रैंकी का जो रैप होता है उसका डो बनाने के लिए हमने यहाँ पे 2 कप मैदा ले रखा है। हमने यहाँ पे 1.5 टीस्पून नमक ले रखा है, 1.5 टीस्पून चीनी ले रखी है, और 2 टेबलस्पून हमने यहाँ पे तेल ले रखा है। अगर आप ये प्रोसेस स्किप करना चाहते हैं और आपके पास अगर बाजार के अवेलेबल रैप्स हैं तो आप वो भी यूज कर सकते। तो मिक्सिंग बोल में हमने यहाँ पे मैदा डाल लिया है, और साथ के साथ हम यहाँ पे नमक डाल लेते हैं, चीनी डाल लेते हैं, और साथ के साथ हम यहाँ पे डाल देते हैं अपना ये ऑयल, और इन सभी चीजों को साफ हाथों से एक बार हम क्रम्बल कर लेते हैं। अब जैसे कि देख सकते हैं, ये हमने सारी तीनों इंग्रेडिएंट्स अच्छे आपस में मिक्स कर लिए हैं, और ये कोसे पानी से, ना ज्यादा हार्ड ना ज्यादा सॉफ्ट, मीडियम कंसिस्टेंसी का हम आटा मारेंगे। तो मैंने ये जो आटा है ये मार लिया है, और थोड़ा सा मैंने यहाँ पे तेल डाल दिया है नीचे, और तेल के साथ इसको हम तकरीबन 1 मिनट के लिए अच्छे से एक बार दोबारा गूंद लेंगे। तो यहाँ पे हमने आटा मार लिया है, और जैसे कि आप देख सकते हैं ये ना ज्यादा सॉफ्ट है ना ज्यादा हार्ड है, तो हमने इसको मीडियम रखा है, और इसको हम साफ कपड़े से जो है एक बार इसको ढक के तकरीबन आधे घंटे के लिए छोड़ देंगे। यहाँ पे जो आटा है उसको हमने आधे घंटे के लिए छोड़ दिया था, और इसको मारने से पहले एक बार हम एक मुक्की दे देते हैं अच्छे से, एक बार दोबारा उसको आधे मिनट के लिए इसको ऐसे से कर लेते हैं। तो उससे क्या, जो हमारा आटा है और सॉफ्ट हो जाता है। तो ये देखिए कितना बढ़िया बना है हमारा आटा, ये देखिए। तो हम सबसे पहले इसमें एक डो लेंगे, इसका एक लोई लेंगे, तो काफ़ी बड़ी सी लेंगे। तो ये देखिए तकरीबन मैंने इतनी बड़ी लोई ले ली है, और इसको पहले हाथ के बीच में से इसको हम प्रेशर देके दबाएंगे, सो दैट कि इसके जो इसमें जो क्रैक्स हैं वो बिल्कुल स्मूद हो जाएं। ये देखिए, और इसके बाद हाथ से पकड़ के इसको गोल गोल घुमा लेंगे। तो ये हमारी लोई बन गई, और यहाँ पे मैंने थोड़ा सा सूखा आटा ले रखा है, और इसको जो है हम बिल्कुल पतला बेल लेंगे इसको। तो फ्रेंड्स, हमने यहाँ पे ये जो है ये पतली सी बिल्कुल हर तरह से आप देख सकते हैं, ये हमने यहाँ पे बेल लिया है। और यहाँ पे जो नॉनस्टिक मैंने यहाँ पे तवा ले रखा है, आप नॉर्मल तवा भी ले सकते हैं। तो ये गर्म हो चुका है, और इसकी जो फ्लेम है मैं बिल्कुल हाई कर दे रही हूँ, और वो इसीलिए कि हम हाई फ्लेम पे इसको इसलिए बनाएंगे क्योंकि अगर आप स्लो या मीडियम फ्लेम पे बनाएंगे तो हमारी जो ये फ्रैंकी के जो रैप्स हैं ये हो जाएंगे बहुत हार्ड। तो ये हमने इसको हाई फ्लेम पे रख दिया है, तो अब जैसे कि देख सकते हैं ये ऊपर से ड्राई होने लग गई है, इसका मतलब जो हमारी जो रैप है या जो फ्रैंकी की रोटी है वो नीचे से पकने लग गई है। तो इसको हम इसको पलट लेते हैं, तो इसको हम एक बार नीचे से चेक कर लेते हैं। तो ये देखिए जैसे इसमें से नीचे ब्राउन चित्तियाँ आने लग गई हैं, तो इसमें हम हल्का सा तेल लगा लेते हैं, ज़्यादा तेल की ज़रूरत नहीं है, हमें इसको कड़क नहीं बनाना है, हल्का सा इसको सॉफ्ट रखना है। और यहाँ पे भी हम इस पर भी तेल लगा लेते हैं, फ्रेंड्स जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे दोनों तरफ से इस पे चित्तियां आ गई हैं, और ये जो फ्रैंकी का जो रैप्स होते हैं इनको हम ज्यादा नहीं पकाएंगे। तो हमने इनको हाई फ्लेम पे पका लिया था, और जैसे कि देख सकते हैं कितनी सॉफ्ट बनी है, और इसी तरह से हम बाकी सारी फ्रैंकीज बनाते चले जाएंगे। 2 पैकेट मैगी मैं बना रही हूँ, और यहाँ पे मैंने 2 कप पानी डाल दिया है, और साथ ही साथ हम इसमें डाल देते हैं अपनी मैगी तोड़ के। तो जैसे हम नॉर्मल मैगी बनाते हैं हम वैसे बना सकते हैं, साथ के साथ अगर आप तड़का लगा के मैगी बना सकते हैं, बनाना चाहते हैं तो आप वैसे भी कर सकते हैं, अप टू यू। और मेरे चैनल पे एक मैगी की रेसिपी जो मैंने तड़के से बनाई है तो आप वो भी फॉलो कर सकते हैं। और साथ के साथ हम इसमें ये इसका मैगी का टेस्ट मेकर मसाला डाल देते हैं, जब तक ये पक नहीं जाती है तब तक हम इसको बनाएंगे। फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख सकते हैं जो हमारी मैगी है वो बिल्कुल तैयार है, और इसको मैंने देख सकते हैं कि मैंने इसको ड्राई रखा है, ज़्यादा गीला नहीं रखा है, क्योंकि हमें इसकी जो फिलिंग है थोड़ी ड्राई चाहिए, सो दैट कि ये हमारी फ्रैंकी को या जो रैप है उसको गिल गिला ना बनाए। तो फ्रेंड्स मैगी फ्रैंकी बनाने के लिए हमने यहाँ पे एक रैप ले लिया है,
और रैप पे हम ये टमाटो सॉस थोड़ी सी स्प्रेड कर देते हैं थोड़ी सी। और अगर आपको थोड़ा सा तीखा खाना पसंद है तो आप चिली सॉस का भी यूज कर सकते हैं। और यहाँ पे हम डालेंगे थोड़ा सा अपना पत्ता गोभी, थोड़ा सा गाजर, और ये हमने डाला यहाँ पे थोड़ा सा प्याज, और अपनी जो ये मैगी हमने बनाई हुई थी ये हम इस पे डालते हैं। वाह जी वाह, ये गर्मा गर्म मैगी, तो ज्यादा गर्म भी नहीं है, ये हल्की सी गर्म है। और ये हमने डाल दी मैगी यहाँ पे, और ये हमने थोड़ा सा चाट मसाला डाला, ये डाल दिया हमने थोड़ा सा हरा धनिया। आहा, मेरे तो मुंह में ऐसे ही पानी आ रहा है। और यहाँ पे हमने एक पहला फोल्ड किया यहाँ पे ऐसे करके, और उसके बाद हमने इसको साइड में करके इसको दबाया, और यहाँ पे हाथ रख के इसको हम फोल्ड कर लेंगे। ये जो हमने अपना ये फ्रैंकी बनाया हुआ है या मैगी काठी रोल जो भी आपको पसंद है, इसको ऐसे लेके इसको हम फोल्ड करते चले जाएंगे। तो ये हमने अपनी जो ये फ्रैंकी है ये कर ली है, और जो नीचे से जो बचा है उससे हम इसको नीचे दबा देंगे। तो है ना कितनी टेम्पटिंग लग रही है, और इसी तरह से बाकी सारी हम काठी रोल या फ्रैंकी जो है बनाते चले जाएंगे।